झलक दिखला जो करने वाली है मेरी माँ, आप कुछ बोलना चाहोगी मेरी ऑडियंस को? बहुत अरे ये बोलो, डिफिकल्ट नहीं वर्ड दो, डिफिकल्ट फुल है, किसी को भी कोई जरूरत होती है तो वो सबसे आगे जाती है। हैप्पी दिवाली मम्मी। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं अपनी मॉम के सेट पे जाने वाला हूँ, तो मेरी मॉम झलक दिखलाजा करने वाली है और उनको सपोर्टर्स की और उनको वोट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग मुझे हेल्प करोगे, आप लोग उनको सपोर्ट करोगे जितने भी लोग देख रहे हैं। तो अभी आइए चलते हैं, जाते हैं सेट पे। और सेट के पहले जाने से पहले मैं जाता हूँ मेरी नानी के पास, प्रैंक करता हूँ छोटा सा। ये नकली नोट है मेरे पास 2-500 के नोट के, क्योंकि मैं शूट करता हूँ, मुझे काम आता है, इसलिए मैंने जेरोक्स निकाला हुआ है और कोई स्कैम करना है नहीं मुझे। तो चलते हैं नानी का रिएक्शन देखना। ये पैसे किसके, आपके पड़े क्या? नीचे किसके है ये? तेरे तो नहीं? मेरे नहीं है भाई, मेरे पास पैसे ही नहीं है जो मेरे हो गए। अरे सभी तक नहीं आ रही आई थी किसकी? मैंने नहीं दी। आपने नोट देखा नहीं और आपने ऐसे रख दिया मम्मी, आप अजीब सी नहीं हो? देखा मैंने, मालूम है, इसलिए तो फेंक दिए वहां पर। अभी हम आ चुके हैं गणपत मूवी के लिए और एज एक्सपेक्टेड कोई नहीं आया। उसके बाद हम लोग चले गए तेजस देखने। गाइस तेजस आप लोग को देखनी चाहिए, अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो ये अमेजोन या नेटफ्लिक्स पे बहुत जल्द आने वाला है, देखना ज़रूर। सो गाइस अभी हम लोग ने तेजस देखी। तेजस इज़ एन आउटस्टैंडिंग फिल्म, आप लोग को देखनी चाहिए। अगर आप लोग थिएटर में नहीं देख पाओगे तो नेटफ्लिक्स या अमेजोन जहाँ पे भी आएगा वहाँ देख लेना। और ये मूवी देख के ख़त्म करके अभी हम लोग 12th फेल देखने आए हैं, बैक टू बैक हम लोग आज मूवी मैराथन करने के चक्कर में हम सब लोग। और तुम तीनों से एक सवाल पूछना आज। इधर आओ तीनों साथ में खड़े रहो, तीनों साथ में, नहीं तीनों साथ में, टाइम यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, नहीं राहुल इधर आ। ईमानदारी से एक चीज बताओ जल्दी, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? गाइस कम ऑन यार, हाँ हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बोलो जल्दी बोलो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट, हाँ बोल ना राहुल, थैंक्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं तो सही बोला उसने। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, सॉरी वेलकम बैक। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रियंका के यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं NMACC। प्रियंका ने अभी तक देखा नहीं है, और अगर आप लोग को भी नहीं मालूम NMACC क्या है, मैं पहले व्लॉग बना चुका हूँ, बट ठीक है नहीं मालूम तो आप लोग देखते रहना व्लॉग और देखते रहना वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। और आज हमने सोचा कि डे आउट करेंगे और NMACC के बाद वी विल प्रोबेबली गो टू अ मॉल और एल्स समवेयर टू ईट गुड फूड, बस और घर पे आ जाएंगे, चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज जगह बंद थी तो हमें मॉल जाना पड़ा, और मॉल में भी हम लोगों ने कुछ खास किया नहीं, कुल्हड़ चाय पी और कॉफ़ी पी और उसके बाद हम लोग घर चले गए। और घर जाते समय मुझे मिली मेरी माँ, तो उनको प्रणाम करते हुए मैं निकला घर की ओर। और आप लोग झलक दिखला जा देखना भूलना नहीं। और धन पूजा हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी कुछ ही टाइम में। Thank you.
स्नान करवा दिया। हाँ। उसके बाद उनको भी कपड़ा पहना दिया। कपड़ा पहना दिया मतलब ये मौली। हाँ, ये कपड़ा है। ये धन्वंतरी है जो राजा को अपना वैद्य होता था। अब ये सारा भोग है ये सब। ये सब भोग है। मामा फूल संभालना जलना जाए पीछे लो थोड़ा बीच वाला। हाय गाइस हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू ऑल इन एडवांस। तो कल 11 तारीख है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके झलक देखो और मेरी मम्मी को सपोर्ट करना। और 11th ही है कल और सोनी पे आने वाला ही है। गुडू एनीथिंग यू वांट टू ग्रीन ग्रीन है तुम भी बोल दो। तो आपने देखा जिस किस तरीके से मुझे अवॉइड किया जा रहा है यहाँ पे। इज्जत ही नहीं हमारी तो यहाँ पे बट ठीक है। तो आज मेरी माँ जा रही है एकता कपूर के दिवाली पार्टी पे और मेरी माँ एक मैसेज लेके जा रही है कि झाड़ों को काटो मत ग्रीनरी फैलाओ उसी से हम लोग को सांस लेने मिलता है। यहाँ पे देखना गुरु सुधे में लोग सांस और उसी मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ गाइस आप डर मत जाना मेरी माँ बिना मेकअप के कुछ एक्स्ट्रा सुंदर लगती है ठीक है। और झलक देखना भूलना नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। बस अगर हो सके तो फटाके मत फोड़ना। अगर फटाके फोड़ने तो आप लोग फोड़ देना। तो गाइस एक्ट के दौरान मेरी माँ का दो हेडलाइन फ्रैक्चर भी हो गए बट मेरी मॉम इतनी स्ट्रांग है कि वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है और पार्टी करना छोड़ नहीं रही है। इस पे आपके क्या विचार है कि पार्टी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पार्टी जाना चाहिए और थोड़ा अटेंशन भी देना। हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। और अभी हम आ चुके हैं सरकारी भंडार क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के ऑफर्स चलते हैं। बाय टू गेट वन फ्री बाय वन गेट थ्री फ्री। तो ये मेरी नानी का एक फेवरेट स्पॉट है तो हम लोग आ गए कुछ सामान लेने और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और घर पहुँचते ही मैंने देखा कि बहुत सारे गिफ्ट आ चुके हैं। किसी को भी कोई जरूरत होती है तो वो सबसे आगे जाती है। हैप्पी दिवाली मम्मी। दर्शकों को भी बोल दो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और बोलो को बोलो फटाके मत फोड़ो प्लीज। बोलो ना सब समझ आ रहे। बोलो सब समझ। क्या पोपट हुआ ऐसे तेरा सच में मम्मी डरी नहीं है। दिवाली से। चलो एक चीज बताओ। एक ऐसी चीज जो दिवाली में करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए जल्दी। अरे आपके पास आऊंगा आप पीछे से मत बोलो बोल जल्दी। ठीक से करना चाहिए। और एक ऐसी चीज बता कोई भी काम करना चाहिए ठीक से करना चाहिए सोच समझ कर। और जो नहीं करना चाहिए नहीं फोड़ना चाहिए पटाखा। गुड। तू पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। बट क्यों नहीं फोड़ना चाहिए इसका एक कारण बता। प्रदर्शन। चलो अच्छी बात है मम्मी से हैप्पी दिवाली। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और फटाके फोड़ो वो वाले फोड़ो जिसमें आवाज नहीं आ रही है। वैसे मैं तो मना ही करूंगा बट मुझे गाली सुनने का शौक नहीं इसलिए मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। सब अपने मर्जी के मालिक है। जिसको जो करना है वो कर सकता है। चक्कू सागर वहां पे मांग रहा है क्योंकि वहां से नीचे कुछ अटका हुआ उसको निकालना है ठीक है। और कोई चीज के लिए नहीं मांग रहा है। तो फटाका फोड़ो अगर आपको फोड़ना है। नहीं फोड़ने वालों को हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू देम। एंड अगर फोड़ना भी चाहते हो तो ऐसा वाला फोड़ो जिसमें आवाज बहुत ज्यादा ना हो बहुत कम हो।